दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो कि सीसी में लाइव हो चुका है वोटर आईडी प्रिंट का काम आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तो वेली कैसे इसका आईडी एंड पासवर्ड ले पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे कि वेली वोटर आईडी प्रिंट की सर्विस कैसे स्टार्ट कर पाएंगे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से के माध्यम से तो बने इस वीडियो में लगातार और मैं पूरा वीडियो देखिएगा और मैं हूं उपम झाड़े दोस्तों और आप देख रहे हैं अपने चैनल हेल्प हिंदी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें साथ साथ आइकन प्रेस करें इससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लगातार देख सकें तो फुल डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना है हमारी वेबसाइट पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सीएससी वोटर आईडी कार्ड सर्विसेज डिजिटल सेवा पोर्टल फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिजिटल सेवा पोर्टल सीएससी वोटर आईडी कार्ड सर्विसेज क्या है सी सी वोटर आई डी कार्ड प्रिंट की सर्विस लेने के लिए आपको करना पड़ेगा पहला रजिस्ट्रेशन इसके बाद आप सी एस आई डी प्रिंटिंग की सी एसी वोटर आई डी प्रिंट की सर्विस स्टार्ट कर पाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल से तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिंक मिलेगा सी एस से वोटर आईडी प्रिंट सर्विस कैसे स्टार्ट करें क्लिक हियर इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल इस पर हो जाएंगे तो आ जाएंगे देखिए आपके यहाँ पर सीसी आईडी भी दिखेगी आप लॉग आउट भी कर सकते हैं यहाँ से अगर आप पहले से लॉग नहीं है तो पहले हो सकता है डिजिटल सेवा पोर्टल पहले आपको लॉग इन करवाए इसके बाद आपको यहाँ पर लेकर आए तो सबसे पहले आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर दें और सेंट ओडीपी पर आपको क्लिक करना है नंबर डाला है उस पर ओ आ चुका है और आपको वो यहाँ पर एंटर कर देना है इसका सबमिट बटन पर क्लिक तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए इधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इलेक्शन सर्विसेज के लिए ओपन होकर आ गया है और जो आपको यहाँ पर फिल करना है देखिए सबसे पहले क्या है डिस्ट्रिक्ट का नेम आपका देखिए स्टेट करने का ऑटोमेटिक फील्ड होगा डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ पर वर्क करना चाहते हैं कहा आपका सी सेंटर है वो सिलेक्ट करें आपकी असेंबली कौन सी पड़ती है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसके बाद आपका दि एड्रेस किस एड्रेस पर आपका आ, ये सी सी सेंटर है इसका पिन कोड आपको आपका डालना वीएल की ईमेल आईडी डालना है डू यू हैव हैविक कार्ड प्रिंटर इपिक कार्ड प्रिंटर जो दोस्तों कार्ड प्रिंट करने के लिए मशीन होती है वो अगर आपके पास है तो यस करें अन्यथा नो कर दें अगर आप यस करते हैं तो उसका आपको नंबर यहाँ आप फिल करने के लिए मांगा जाता है अन्यथा आप नो करें और अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना पड़ता है दोस्तों ये कैसे बनेगा मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे आपको बनवाना है और उसको यहाँ पर बनवा के यहाँ अपलोड करना पड़ेगा अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर इमेज दिखेगा और आई डिक्लेयर पर क्लिक करके रजिस्टर्ड पर आपको क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपका रजिस्टर हो जाएगा और ये रिक्वेस्ट आपकी पहुंच जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट uh, मैनेजर के पास वो जब अप्रूव करेंगे तो आप सी के माध्यम से डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से वोटर कार्डी प्रिंट का सर्विस स्टार्ट कर पाएंगे देखिएगा दोस्तों मैं इसका आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूं इलेक्शन सेवाओं में पंजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले आपको यहां पर जाना है डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉग करें इलेक्शन सेवा में खुद को अधिकृत करें और हाँ पर क्लिक करें और इसका मोबाइल नंबर डालें ओ आएगा ओटीपी डालें आपके पास देखिए फॉर्म ओपन होकर आ गया है इस फॉर्म आपको भारत इस फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना है तो ये पूरा डिटेल था और भी अपडेट अगर जानना चाहते हैं इसका लिंक दोस्तों रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने वेबसाइट पर दे रखा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो फुल डिटेल आपको मिल जाएगी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं तथा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें तथा तो अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो वहाँ भी इस वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग